सहरसा के एक युवक ने इस मानसून में कुछ ऐसा किया कि पूरा शहर हंस हंस कर लोटपोट हो गया। जहां बाकी लोग बारिश और जल जमाव से परेशान थे, वहीं इस युवक ने इसे मनोरंजन का जरिया बना लिया। सहरसा के गोलू कुमार ने शहर के जल जमाव का फायदा उठाते हुए सड़क को ही स्विमिंग पूल में बदल दिया। इस अद्भुत कारनामे को देखने के लिए सड़कों पर लंबा जाम लग गया और लोग वाहनों की कतारों में खड़े होकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गोलू यादव ने लोकल 18 को बताया कि सहरसा नगर निगम में जल भराव की समस्या बेहद गंभीर है, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। लक्ष्मीनिया रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। गोलू खुद इस गड्ढे का शिकार हुआ और तब उसने अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया। क्या है आप लोग यहाँ पे पानी में गिरे हुए? देखिए भैया, सिंपल सा बात है, हम तो फिलहाल इसको आए तो उजागर करने के लिए, हम लोग क्रिएटर भी है, साथ साथ जो है अगर कुछ गलत होते देखते है ना, उसके प्रति भी हम लोग काम करते हैं। फिलहाल हम लोग शूट करने आए थे, लेकिन दो चार मेरे सामने गिरा है। लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने गोलू के इस कदम की सराहना भी की। आसपास के लोगों ने गोलू का पूरा सहयोग किया और कहा कि अगर ऐसे ही लोग जागरूक हो जाएं, तो समस्याएं काफी हद तक दूर हो सकती हैं। अब वीडियो बनाते बनाते हम भी खुद गिरे हैं इसमें, यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है पानी में, आपको दिख रहा होगा, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है पानी में और ऐसे ही जो है ऊपर नीचे जो है ना, ये पुला की तरह बना हुआ, इसी के प्रति सोचे दिखाए, थोड़ा सा लोगों को सामने लाए। क्या मैसेज देना चाहते हैं भैया कि अगर नगर निगम वाले हैं, जो भी इसके जिसके अंदर ये आता है, कि अगर ऐसे अनदेखा करिएगा, सब कोई अपना बिजी है करने के लिए, क्योंकि ऐसे अनदेखा करेगा डेली रोज गिरता है, लोग चार पांच लोग गिरता है। कुछ यहाँ के बगल दुकानदार से पूछिए जो भैया लोग यहाँ रहते हैं क्या उसका हाल होता है। तो आपके कारण लंबी जाम लग गई, क्या कीजिएगा भैया? आजकल कोई भी काम कीजिएगा ना, थोड़ा सा लोग को सामने लाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हम अकेले बैठे हुए तो कोई देख नहीं रहा, सब जा रहा है, पानी मेरे मुंह पर जा रहा है, सब जा रहा है, इतना मतलब ही लोग है। आपको किसी के कान में कुछ देना है ना, थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा, ये लिख लीजिए आप। तो आपने ये तरीका अपनाया, क्या करते हो? कोई तरीका दूसरा है बताइए। उस दिन वहाँ धरना हुआ था जो नगर निगम खिलाफ, इधर 5-7 दिन पहले हम उसमें भी गए थे, कुछ सुनवाई हुआ है? पानी लगा हुआ है, ऐसे पानी लगा रहेगा, अभी तो शुरुआती है, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है यहाँ पे। लगभग एक घंटे तक यह जाम की समस्या बनी रही, लेकिन लोगों ने इसे हंसी खुशी के साथ झेला। गोलू कुमार ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक अनोखा और मजेदार तरीका अपनाना पड़ता है। लोकल 18 के लिए सहरसा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।